हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में WBBL का जो 27वां मुकाबला खेला जाएगा उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन से प्लेयर को आपको स्मॉल लीग में ट्राई करके चलना है एंड कौन से प्लेयर को आपको GL में ट्राई करके चलना है। सब कुछ इस वीडियो में प्रॉपर डिस्कस करेंगे ताकि जब आप स्मॉल लीग में टीम क्रिएट करोगे आपको कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और इस मैच में एक बेटर टीम क्रिएट करके जा सकते हो जिससे आपके विनिंग के चांसेस काफी ज्यादा हाई रहेंगे। देखो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एक फ्रेश विकेट पे खेला जाएगा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का और इस पिच पर पहले बैटिंग करने वाली टीम ने कितने मुकाबले जीते हैं, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने कितने मुकाबले जीते हैं, बाकी यहाँ का एवरेज स्कोर क्या है, सब कुछ ये बताएंगे पिच के बारे में, बाकी लास्ट के चार मैच में कैसा स्कोर काट रहा है ये भी आपको बताएंगे। उसके बाद प्लेयर्स का रिसेंट परफॉर्मेंस कैसा है, हेड टू हेड में कैसा प्रदर्शन करके आ रहा है, वेन्यू पर कैसा प्रदर्शन करके आ रहा है और प्लेयर्स ने पहली इनिंग में कैसा प्रदर्शन किया है और सेकंड इनिंग में कैसा प्रदर्शन किया है। देखो कई ऐसे प्लेयर होते हैं जो पहले इनिंग में तो काफी अच्छा करते हैं बट सेकंड इनिंग में फ्लॉप रहते हैं, और कई ऐसे भी होते हैं जो सेकंड इनिंग में अच्छा करेंगे तो पहली इनिंग में फ्लॉप रहेंगे। तो ऐसे प्लेयर्स पर आप नजर बनाकर चलेंगे ताकि GL में और काफी बेहतरीन रैंक लेकर आ सके। देखो ये ट्रिक सिर्फ आप GL में यूज करना, स्मॉल लीग में थोड़ा बहुत रिस्की रहेगा। स्मॉल लीग में हम ज्यादातर रिसेंट फॉर्म को देखते कि जो प्लेयर हो रिसेंट में कैसा प्रदर्शन करके आ रहा है उसके बेस पे हम उसको स्मॉल लीग में या फिर GL में ट्राई करके चलते हैं। तो चलो इस मैच के बारे में बात करते हैं। तो ये मैच आपको खेला जाएगा 15 नवंबर को सुबह 10:15 मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन कर रखा है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। क्यों? देखो यहाँ पर अगर आपने ज्वाइन कर रखा होगा तो आपको पता होगा कि जब टॉस होता है तो हम आपको प्लेइंग 11 प्रोवाइड करते हैं सबसे पहले, उसके बाद टॉस का अपडेट कि टॉस किसने जीता और पहले बैटिंग कौन कर रही है, पहले बॉलिंग कौन कर रही है, उसके बाद आपको पिच रिपोर्ट शेयर करते हैं, बैटिंग ऑर्डर शेयर करते हैं जो प्रॉपर बैटिंग ऑर्डर आ जाता है। देखो पिच रिपोर्ट का आपको पिक्चर होता है वो भी शेयर करते हैं कि कैसा पिच दिख रहा है, उसके देखो हमें थोड़ा सा पता लग जाता है कि अगर ग्रास वाली पिच है तो पेसर्स को शुरू से ही हेल्प मिलने लग जाता है, तो ये चीजें हो जाता बता देता हूं मैं। उसके बाद वॉइस नोट एक डाल देता हूं ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए और एक बेटर टीम आप क्रिएट कर सको। देखो पिच रिपोर्ट कई बार GL में अच्छा खासा हेल्प कर देता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का जाकर एक बार आप चेकआउट। देखो अगर बात के यहाँ के लास्ट के चार मैचेस का तो मेलबर्न स्टार और मेलबर्न रेनिगेट्स का यहाँ मैच खेला गया था जिसमें मेलबर्न स्टार की टीम ने 118 रन 10 विकेट खोकर 20 ओवर में बनाए थे और मेलबर्न रेनिगेट्स की टीम 27 रन 2 विकेट खोकर स्टार गेट को चेस कर नहीं कर पाई थी और डकवर्थ लुईस के हिसाब से हार गई थी, जिसमें पेसर्स ने 3 और 2 और स्पिनर्स ने 6 और 0 विकेट पिक किए थे। वहीं इससे पिछला मुकाबला सिडनी सिक्सर और मेलबर्न स्टार के बीच में खेला गया था जिसमें सिडनी सिक्सर की टीम ने 134 रन 7 विकेट खोकर 20 ओवर में बनाए थे और मेलबर्न स्टार की टीम 51 रन 6 विकेट खोकर 7 ओवर में डकवर्थ लुईस के हिसाब से मैच जीत गई थी सिडनी सिक्सर की टीम। बात करते पेसर्स ने 6 और 2 और स्पिनर्स ने 1 और 4 विकेट पिक किए थे। वहीं से पिछला मुकाबला सिडनी सिक्सर और मेलबर्न स्टार के बीच में खेला गया था जिसमें सिडनी की टीम 92 रन पे ऑल आउट हो गई थी और मेलबर्न की टीम इस टारगेट को 96 रन बनाकर चेस कर लिया था, जिसमें पेसर्स ने 3 और 3 और स्पिनर्स ने 7 और 2 विकेट पिक किए थे। वहीं से पिछला मुकाबला मेलबर्न रेनिगेट्स और मेलबर्न स्टार के बीच में खेला गया था जिसमें मेलबर्न रेनिगेट्स की टीम 149 रन 5 विकेट खोकर 20 ओवर में बनाए थे और मेलबर्न स्टार की टीम ने 101 रन 7 विकेट खोकर इस टारगेट को चेस नहीं कर पाई थी, जिसमें पेसर्स ने 3 और 1 और स्पिनर्स ने 1 और 2 5 विकेट पिक किया था। देखो यहाँ पर हर साल आपको दो ही मैच खेल देखने को मिला है, 2023 में भी 2019 में भी और मोस्ट इस साल भी इनका दो ही मैच खेला जाएगा, और जो कल के दिन पर्थ स्कॉचर्स और सिडनी थंडर और दूसरा जो मैच खेला जाएगा मेलबर्न रेनिगेट्स और मेलबर्न स्टार का सेम यही दोनों मैच इस टूर्नामेंट का इस ग्राउंड पर खेला जाएगा, कोई तीसरा मुकाबला इस सीजन भी नहीं खेला जाएगा। तो एक मतलब स्लो टर्निंग पिच आप कह सकते हो जहां पर स्पिनर्स को ज्यादा ही सपोर्ट मिलता है और बल्लेबाजों के लिए कुछ खास यहां पर है नहीं। बात करते हैं यहां से लास्ट के 10 मैचेस का तो सिडनी की टीम ने 4 मुकाबले जीते और पर्थ की टीम ने 6 मुकाबले जीते और इस सीजन जो एक मुकाबला हुआ था वो पर्थ की टीम ने जीत लिया था काफी आराम से, और वही इनका लास्ट के 5 मैच में 1 हार थी सिडनी की टीम का, वही पर्थ की टीम 5 में से 3 मुकाबले जीत कर आ रही है। तो देखो दोनों ही अब बेटर कंडीशन में दिख रही है बट आपको सिडनी की टीम थोड़ी बहुत अपर हैंड रखती हुई दिख रही है, क्योंकि अगर आप टीम क्रिएट करोगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों अपर हैंड रखती हुई दिख रही है, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको जब टीम डिस्कस करूंगा तब बता दूंगा। बात करते हैं अच्छा सिडनी की प्लेइंग 11 की, तो चमारिया टपट्टो और जॉर्जिया बॉल दोनों ओपनिंग करेंगे, फॉयवेल लिचफील्ड 1 डाउन,
टाइलर विल्सन टू डाउन, हैदर नाइट उसके बाद थ्री डाउन, एनिका लियोरेट नंबर छह पर, सैमी जॉन जॉनसन सात पे, हना डार्लिंगटन आठ, समांता विट्स नौ, सबनम इस्मेल और टनिकेल पेस्केल आपको दिख सकती है सिडनी वुमेन्स की प्लेइंग 11 में। बात करते स्टार्टिंग ओवर, आपको सबनम इस्मेल, समांता बेट्स और टी पेस्कल कराते, और डेथ में आपको सबनम इस्मेल, हना डार्लिंगटन और समांता बेट्स आपको डेथ में गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे। बात करते अब इनके प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस की, तो देखो जॉर्जिया वॉल का बात किया जाए तो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, एक अगर 92 रन की पारी छोड़ दिया जाए तो सारी ही मैचेस में फ्लॉप हो गई है, और एक अटैकिंग पारी खेलती है कई बार ज्यादा ओवर अग्रेसिव भी इनको आउट करा देता है, तो इसकी वजह से इनको हम जीएल में प्रेफर करेंगे इन कंपेयर ऑफ स्मॉलिंग। बाकी अटापट्टू तो आपकी टीम के बाय डिफॉल्ट कैप्टन होने चाहिए, ऑलमोस्ट हर एक मैच में 2-2-2-1 विकेट निकाल रही है, रन भी 30-40 स्कोर कर दे रही है, इससे बड़ा स्कोर तो हमें देखने को नहीं मिला इस सीजन इनसे, बट हाँ इनके पास एबिलिटी है कि रन स्कोर कर सकते हैं इस पिच पर, बट ज्यादातर इस पिच पर हम बॉलिंग से इनसे उम्मीद करेंगे, इसकी वजह से इनको कैप्टनसी इस मैच में हम देकर जाएंगे। बाकी लिस्टफील्ड का बात किया जाए तो ये भी काफी अच्छे फॉर्म में, ऑलमोस्ट हर एक मैच में इनको स्टार्ट मिल रहा है, दो मैच में 40 में कंट्रीब्यूट किया था और एक 34 एक 27, तो फोबी लिस्टफील्ड को हम अपने टीम में बाय डिफॉल्ट ट्राई करेंगे, अगर स्लो टर्निंग पिच होता भी है तो ये काफी अच्छे रन तब भी स्कोर करके जाएंगे, क्योंकि ग्राउंडेड शॉट पर ज्यादा भरोसा करते हैं इसके वजह से। टाइलर विल्सन को जेल में ट्राई करके चलना, स्मॉल लीग में बहुत ही ज्यादा वेस्ट पिक रहेंगी, काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, लास्ट सीजन इनको ओपनिंग कराया गया था और इन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था, बट इस सीजन इनका वो प्रदर्शन हमें दिख नहीं रहा है। हैदर नाइट जो कि नंबर चार पे आपको बैटिंग करते हुए दिख रही है, दो मैच में 50 स्कोर किया इन्होंने और एक में 48, एक में 28, एक में 13, 26 का एवरेज भी होल्ड करती है अगेंस्ट पर्थ, तो हम अपने टीम में इनको ट्राई करेंगे, क्योंकि मान लो अगर सिडनी की टीम ऊपर से कोलैप्स करती है, फोबेल स्पीड के अलावा मेरे को कोई उतने बढ़िया बैटर इस पिच के लिए नहीं दिखा है, तो अगर सिडनी की टीम ऊपर से कोलैप्स करती है तो हैदर नाइट आपको पारी को संभालते हुए दिख सकती है, तो इनको भी मैं अपने टीम में बाय डिफॉल्ट रखूंगा। बाकी अनिका लियोरेट जीएल में ट्राई करना, ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, सिंगल डिजिट में ही मैक्सिमम टाइम आउट हो रही है। बाकी सैमी जो जॉनसन इस सीजन ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, ऑलमोस्ट लास्ट के 5 मैच देखा जाए तो सिर्फ 1 विकेट इनने निकाला है, और हेड टू हेड में इन्होंने 18 मैच में 16 विकेट, हेड टू हेड में ठीक ठाक प्रदर्शन है बट वही है कि स्ट्रगल कर रही है, जिसकी वजह से इनका अब ओवर भी कट हो रहा है, तो इनको हम जीएल में ही प्रेफर करेंगे। हैना डार्लिंगटन 1-2-1-2-1 ऑलमोस्ट हर एक मैच में एक या दो ऐसे विकेट निकाल रही है, और हेड टू हेड में भी 8 मैच में 16 विकेट है, तो इस मैच में मैं इनको बाय डिफॉल्ट अपने टीम में ट्राई करूंगा। समांता बेट्स इस सीजन में बहुत ही शानदार फॉर्म में, इन्होंने 1-3-4-4-1 मतलब हर एक मैच में गुच्छे में विकेट निकाल रही है, और हेड टू हेड में भी 18 मैच में 12 विकेट है, तो अपने टीम में तो बाय डिफॉल्ट करूंगा ही करूंगा इनको ट्राई, बट इनको जीएल में कैप्टनसी भी देके जाऊंगा। बाकी स्मेल का बात किया जाए तो 2-1-3-1 मतलब लास्ट के 5 मैच में इन्होंने 5-7 विकेट पिक कर रखे, और हेड टू हेड में 9 मैच में 7 विकेट है, तो अगर आप प्रेफर करना चाहते हो तो ये बुरी चॉइस नहीं होंगे, इनको आप अपने टीम में बाय डिफॉल्ट ट्राई करके जा सकते हो। बाकी टी पेस्कल का बात किया जाए तो इनको तो हम जीएल में प्रेफर करेंगे, लास्ट सेकंड मैच में इनको 3 ओवर की गेंदबाजी मिली थी, बट लास्ट मैच में सिर्फ 2 ओवर की इनको गेंदबाजी मिली, तो जिसकी वजह से इनको विकेटलेस रहना पड़ा, बट वही है कि इनका ओवर कटेगा, आप श्योर मान के चलो इनका ओवर कटेगा ही कटेगा, जिसकी वजह से हम इनको जीएल में ट्राई करके चलेंगे। बाकी बेंच पे पी पाउडलर, सियन्ना इब और क्लेयर मुरे देखेंगे। बात करते हैं स्मॉल लीग में किनको ट्राई करना है, तो जॉर्जिया वॉल को जीएल में ट्राई करेंगे, अट्टापट्टू को स्मॉल लीग में बाय डिफॉल्ट, उसके बाद फोबेल स्पीड को बाय डिफॉल्ट 2 हो जाएंगे, टाइलर विल्सन जीएल और हैदर नाइट 3, और एनिका लोरोड को जीएल में ट्राई करेंगे, मतलब ये तो 3 प्लेयर हम स्मॉल लीग में ट्राई करेंगे जो जिसका जिसका मैंने नाम लिया है, क्योंकि सैमी जो जॉनसन जीएल में ट्राई करेंगे, हैनर डर्लिंगटन 4 चौथे प्लेयर होंगे जिनको मैं स्मॉल लीग में ट्राई करूंगा सिडनी की तरफ से, और 5वें में समांता बिट्स स्मॉल लीग में बाय डिफॉल्ट रहेंगे, और 6ठे प्लेयर में सबनम इस्मेल को ट्राई करूंगा अपने टीम में। मैंने जो 6 प्लेयर बताया आपको इनको तो मैं स्मॉल लीग में ट्राई करूंगा सिडनी की तरफ से, और टनिकेल पेस्केल को जीएल में ट्राई करके चलेंगे। बाकी दोस्तों अभी तक आपने बूम 11 ऐप को डाउनलोड नहीं किया हो तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्यों? एक तो सबसे पहले यहाँ पर 2 मिनट का एक्स्ट्रा डेडलाइन मिलता है जिसका आप फायदा उठा सकते हो, लाइक अगर आपने इंडिया वाले मैच देखा होगा तो संजू सैमसन दूसरे गेंद पर आउट हो गए थे, अदर ऐप में तो हमें डेडलाइन खत्म हो गया था बट बूम 11 पर डेडलाइन था उसकी वजह से हमने चेंज कर लिया था और काफी अच्छे प्रॉफिट किया था क्योंकि हम एक्टिव थे, और मैच के 2
मिनट तक एक्टिव रहने के बाद यही हमें रिजल्ट मिलता है। बाकी जीएसटी नहीं लगता, टीडीएस नहीं लगता और एंट्री फीस भी दूसरे ऐप के मुकाबले काफी कम पे करना पड़ता है। और जिस भाई के पास पैसे नहीं है वो यहाँ पर 20,000 तक फ्री में जीत सकता है। और भी बहुत फायदे है, लाइक इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड भी है और छोटे छोटे फायदे, तो मैं एक बार आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जाकर एक बार आप चेकआउट कर लो, अच्छा लगे तो खेल लेना। बाकी मेरा रेफर कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी हो सकता है हमारे तरफ से भी और ऐप के तरफ से भी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार आप चेकआउट कर लेना। चलो बात कर लेते हैं पर्थ की टीम का, तो क्लोए पिपारो, बैथ मुनी, दयालन हेमलता, सोफी डिवाइन, एमी जोन्स, मिक्याला हिंकली, अलाना किंग, एमी एडगर, उसके बाद लिली मिल्स और क्लोए एम्सवर्थ और एबोनी होस्किन, ये हो सकती है पर्थ वुमेन्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो कि इस मैच में खेल सकती है। अगर बात किया जाए स्टार्टिंग ओवर, आपको क्लोए एम्सवर्थ और एमी एडगर कराएंगी और डेथ में बात किया जाए तो अलाना किंग, सोफी डिवाइन और क्लोए एम्सवर्थ आपको डेथ में गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगी। बात करते हैं पर्थ कोचर्स के प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस की और किसको हमें स्मॉल लीग में ट्राई करना है। देखो बैथ मुनी तो हम बाय डिफॉल्ट ट्राई करेंगे, ये जनरेशनल टैलेंट है जिसको आप कह सकते हो कि T20 के राइट नाउ बेस्ट बल्लेबाज यही आपके पास अवेलेबल है और इनको हम अपने टीम में बाय डिफॉल्ट ट्राई करेंगे ही करेंगे। बाकी जीएल में हो सके तो कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी भी देकर जाएंगे। बाकी अगर बात की जाए क्लोए पिपारो तो जेल में ट्राई करके चलना, एज अ बैटर वेस्ट पिक रहेंगे, अगर बॉलिंग कराती है तब ठीक ठाक चॉइस रह सकी, अदरवाइज इनको जेल में ही ट्राई करके चलना। बाकी हेमलता ने लास्ट मैच में 41 रन की एक शानदार पारी खेली तीनों ने, बट हाँ ये हर एक मैच में सेम प्रदर्शन नहीं दोहरा सकती और उतनी अच्छी टैलेंटेड प्लेयर, टैलेंटेड तो कह सकते बट इनके पास पावर हिटिंग एबिलिटी नहीं है और ग्राउंडेड शॉट पर ज्यादा भरोसा करती है और मैक्सिमम टाइम आउट ही हो जाती है और या तो और भी स्पिनर्स को सपोर्ट मिलेगा तो दयालन हेमलता स्ट्रगल करते हुए दिखेंगी आपको। बाकी बात करते हैं सोफी डिवाइन, लास्ट मैच में इनका कहर देखने को मिला था सिडनी को ही, 48 रन भी स्कोर किया था और एक विकेट भी इन्होंने पिक किया था, हेड टू हेड में भी 500 रन, 41 के एवरेज और 14 विकेट है, तो डेफिनेटली अपने टीम में तो हम ट्राई करेंगे ही करेंगे। वाइस कैप्टनसी के लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन सोफी डिवाइन आपके पास होंगी। बाकी एमी जोन्स जेएल में ट्राई करके चलना, वेस्ट पिक लग रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, नहीं तो एमी जोन्स अक्सर स्ट्रगल नहीं करती थी बट इस सीजन इनका स्ट्रगल हमें देखने को मिल रहा है, मे बी इनको डिमोट कर दिया गया कुछ पोजीशन, इसके वजह से भी कुछ ऐसा रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। बाकी एम हिंकली को जेल में ट्राई करके चलना, अलाना किंग इस मैच में सबसे बड़ी ट्रंप प्लेयर मेरी यही रहेंगी, इन्होंने हेड टू हेड में भी 16 और वेन्यू पर भी 11, इन्होंने वेन्यू पर सबसे ज्यादा दोनों टीम से मिलाकर खेला है, जो मतलब एक प्लेयर 7 मैचेस इन्होंने खेला इस वेन्यू पर, तो मेरी इस मैच के ट्रंप वाइस कैप्टन यही रहेंगी। बाकी एम्सवर्थ की बात किया जाए तो 2-2-2-1-0 ऑलमोस्ट हर एक मैच में 2 विकेट निकाल देती है, कभी कभार 1 भी विकेट निकाल देती है, तो एम्सवर्थ को भी हम अपने टीम में बाय डिफॉल्ट ट्राई करेंगे। बाकी एडगर लास्ट मैच में इन्होंने 3 विकेट पिक किया था, बट वही है कि ये अपना जो प्रदर्शन होते कभी ज्यादातर दोहरा नहीं पाती है, जिसकी वजह से ये वेस्ट पिक रह जाएंगी और मैं इनको डेफिनेटली नहीं ट्राई करने वाला हूं, खासकर अगर इनकी टीम सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करेगी तो, पहली इनिंग में तो एक बार के लिए मैं ट्राई भी कर लूं। बाकी लिली मिल्स इस पिच पर आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित रहेंगे, सिर्फ 5% लोगों ने ट्राई कर रखा है और ये बहुत ही तगड़े स्पिनर है, इनका उस सीजन वैसा जादू नहीं देखने को मिला जैसा कि लास्ट सीजन देखने को मिला था, बट फिर भी हर एक मैच में 1 विकेट तो निकाली ले रही है, तो लिली मिल्स को एज अ ट्रंप प्लेयर आप अगर चाहो तो स्मॉल लीग में ट्राई करके चलना, मतलब आपको रिजल्ट देकर जाएंगी ही जाएंगी। होस्किन ने भी लास्ट मैच में 2 विकेट पिक किया था, बट वही है कि मैं सबको ट्राई नहीं कर सकता और होस्किन उतनी अच्छी चॉइस भी नहीं है जिनको मैं बैक कर लूं। बाकी अगर बात किया जाए ड्रेक, एस कैंपेबल और सी लिसन आपको बेंच पे दिखेंगे। बात करते हैं स्मॉल लीग में किनको ट्राई करना है, तो बैथ मुनी को तो बाय डिफॉल्ट ट्राई करेंगे, क्लोए पिपारो को जीएल में ट्राई करेंगे, उसके बाद दयालन हेमलता जीएल में और सोफी डिवाइन बाय डिफॉल्ट स्मॉल लीग में, एमी जोन्स और हिंकली दोनों जीएल में और एलाना किंग और क्लोए एम्सवर्थ स्मॉल लीग में बाय डिफॉल्ट, उसके बाद एडगर को पहले इनिंग में ट्राई कर लेंगे और लिली मिल्स को सेकंड इनिंग में और होस्किन को जीएल में ट्राई करके चलेंगे। बात करते हैं सीएनवीसी की, तो बैथ मुनी, अट्टापट्टू और सोफी डिवाइन तीनों ही बेहतरीन ऑप्शन होंगे सीएनवीसी के लिए। देखो ये सेफ है तीनों, बट मैं रिस्क लूंगा इस मैच में वाइस कैप्टनशिप पे, क्योंकि ये पिच स्पिनर्स को सपोर्ट मिल रहा है, इसके वजह से ध्यान रखना, बाकी कैप्टनशिप तो डिफॉल्ट आपके लिए चमारी अट्टापट्टू ही रहेंगी। बाकी अगर जीएल में बात किया जाए तो समांता बेट्स, अलाना किंग और हना डार्लिंगटन आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन जीएल में रह सकती है। अगर बात की जाए समांता बेट्स और किसी के साथ कॉम्बिनेशन जरूर बनाकर चलना, ये बहुत ज्यादा वर्क कर सकता है जीएल में।
बाकी दोस्तों अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लेना, क्योंकि देखो वहां पर आने वाले टाइम में हर एक मैच में जीएल की वीडियो लेकर आऊंगा, जो कि आप हमेशा बोलते रहते थे इसके वजह से, और डोमेस्टिक के भी मैचेस का वीडियो लेकर आएंगे। क्योंकि देखो अगर आप डोमेस्टिक मैच खेल रहे हो तो आप प्रॉपर नॉलेज के साथ खेलो, प्रॉपर प्लेयर्स के बारे में नॉलेज हो, प्रॉपर एनालाइज करो, उसके बाद टीम क्रिएट करो ताकि आपके जीतने के चांसेस अच्छे खासे रहे। तो इसकी वजह से हम सेकंड चैनल पे हर एक मैच में आपको डोमेस्टिक के मैचेस कवर करेंगे, मतलब हर एक दिन 2 से 3 तो कवर करेंगे ही करेंगे। बात करते हैं अब यहां से टीम का, तो बैत मुनि तो जैसा कि मैंने बताया बाय डिफॉल्ट रहेंगी, और दूसरी ऑप्शन हमारे पास जोन्स है जो कि बहुत ही ज्यादा वेस्ट पिक रहेंगे, और टाइलर विल्सन वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी है। बाकी लिचफील्ड और हैदर नाइट दोनों को मैंने बैक किया है, आप चाहो तो एक रिस्क ले सकते हो, यहाँ से नाइट को ड्रॉप करके मैं यहाँ पर ट्राई कर लूंगा लिली मिल्स को, जो बहुत ज्यादा वर्थ इट रह सकती है। बाकी ऑलराउंडर में अट्टापट्टू ट्राई करेंगे सोफी डिवाइन, और एडगर को मैंने जस्ट पहले इनिंग में ट्राई करने के लिए बोला है, सेकंड इनिंग में मैं लिली मिल्स को एक बार ट्राई करने का रिस्क ले सकता हूँ। बाकी समांता बेट्स, डार्लिंगटन, समनम इस्मेल, अलाना किंग और क्लोए एंसवर्थ, ये 5 बॉलर के साथ जा रहे हैं और पांचों के पांचों डिफॉल्ट रहेंगे। कैप्टनसी मेरे रहेंगे यहाँ से चमारी अट्टापट्टू, और वाइस कैप्टनसी रहेंगे यहाँ से अलाना किंग। देखो अलाना किंग को मैक्सिमम लोग नहीं कर रहे, सब लोग अब सोफी डिवाइन के साथ जा रहे हैं, बट अलाना किंग इस मैच में सबसे अच्छी मेरे को वाइस कैप्टनसी लग रही है। आप चाहो तो समांता बेट्स पर भी रिस्क ले सकते हो, ये भी काफी अच्छे स्पिनर है और यहाँ पर स्पिनर्स को सपोर्ट भी मिल रहा है, इसके वजह से कह रहा हूं मैं। बाकी ये अभी के लिए टीम है, फाइनल टीम के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहीं पर प्रोवाइड करूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट मैच के वीडियो के साथ, वीडियो लाइक नहीं करो तो लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।